खुप्पा आहिस्ता कर। आहिस्ता ही कर रही हूँ, तेल लगाएंगे तो ठीक होगा ना। ये लो जी गरम गरम खाना, दोनों खा लो। मैं आपको खाना देकर आती हूँ। अम्मी को क्या हुआ है? क्या मतलब? ना वो बाप से झगड़ा करती है ना दादू से। अच्छी बात है ना, बस समझो मोजा हो गया। अस्सलाम वालेकुम भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह अली अच्छी को के अस्पताल से घर वापस आ गई। मिठाई लाई हूँ, खाओ। ले तू खोल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उड़ गए शादी के बाद? पहली बार लग रहा है मैंने किसी मलानी से शादी की है। क्या रोज सुबह ऐसे तिलावत करती हो? अब आदत डाल लो, हो सकता है तुम पर भी कुछ असर हो जाए। क्या पता, हो सकता है तुम छोड़ दो। जो एक बार इस रास्ते पर चलता है ना, फिर वापस नहीं मुड़ता। क्यों, ऐसी क्या खास बात है? क्योंकि मैंने देखा है जब जिंदगी में सारे रास्ते बंद हो जाए ना, तो यही सही रास्ता दिखाता है। इसमें हर सवाल का जवाब है, जब तक खोलोगे नहीं जान नहीं पाओगे। तुम पढ़ती हो? यही काफी है, मेरे पास और बहुत काम करने को। I'm getting late. कमल अजीब मोहल्ला, जब से अलिया अस्पताल गई है हर रोज कोई ना कोई हमसाया के बैठ जाती है और मुझे कहती खाला अब उस घर में रिश्ता ना करना, एन निकाह वाले दिन इतना बड़ा हादसा हो गया। मैं तो डांट के भगा देती हूँ, खबरदार मेरी इतनी अच्छी बहू के लिए कोई ऐसा वैसा लफ्ज कहा किसी ने। आज ना मैं निकाह की तारीख लेने के लिए आई, मैंने सोचा निकाह हो जाएगा तो सारे मोहल्ले की जुबानें बंद हो जाएंगी, है ना? अब बताओ खदीजा बहन, कब आए हम निकाह के लिए? खाला हम अस्का का रिश्ता आबिद के साथ नहीं कर सकते। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अस्का बहू है मेरी। अब तो ठीक हुआ है दिमाग खाला, और वैसे भी खुदा की यही मर्जी थी, तभी तो ये सब कुछ हुआ है। देख कमल, बहुत गलत बात है ये, मेरा आबिद कभी भी इनकार नहीं सुनेगा। तो ना सुने, लेकिन हमारी तरफ से सिर्फ इनकार ही है, जाके बता दे उसे। अरे जा रही हूँ जा रही हूँ, मैं तो वैसे भी इस मनहूस से अपने बच्चे का रिश्ता करना ही नहीं चाहती थी। जो मर्जी आए करे, लेकिन दोबारा इस मकसद से यहां मत आइएगा। चाय हम खुद ही पी लेते हैं। आज थैंक यू।